डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज में आज बड़ा ही कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक बिंदु पर लगे दो बलों का बीजीय योग 50 न्यूटन है। ठीक है, बीजीय योग का मतलब है एल्जेब्रिक सम। एक बिंदु पर लगे दो बलों का बीजीय योग मतलब एल्जेब्रिक सम 50 न्यूटन है। ठीक है, इनका परिणामी बल 30 न्यूटन है, मतलब R रिजल्टेंट फोर्स दे रखा है। ठीक है, 30 न्यूटन जो कम मान वाले बल से समकोण बनाता है। यह भी कहा है कि रिजल्टेंट जो बल है 30 न्यूटन का, वो कम मान वाले बल के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। दोनों बलों के परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है भाई, यहां देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम डायग्राम बना लें या इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, इक्वेशन दिया क्या क्या है, एक बिंदु पर लगे दो बलों का एल्जेब्रिक सम, बीजीय योग का मतलब एल्जेब्रिक सम दे रखा है 50 न्यूटन। तो एल्जेब्रिक सम क्या करते हैं, पी प्लस क्यू बराबर 50 न्यूटन, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसका परिणामी बल 30 न्यूटन है, तो आर बराबर 30 न्यूटन। ठीक है, 30 न्यूटन जो कम मान वाले बल से समकोण बनाता है। समकोण कौन बनाता है, यहां पर हमने मान लिया कि P और Q दो बल हैं, जिनमें से छोटा बल P मान लिया है। आपकी मर्जी, आप Q को छोटा मानो या P को छोटा मानो, हमने यहाँ पर P को छोटा माना है और Q को बड़ा माना है। तो परिणामी छोटे बल के साथ, यानी बल छोटा कौन सा हो गया इन दोनों में, P और Q में, P P क्या है, छोटा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या है, R। तो P और R के साथ कोण कितना बनाता है, थीटा इक्वल टू 90 अंश। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 30 न्यूटन का है परिणामी बल, इनका परिणामी बल का मान क्या है, 30 न्यूटन। ठीक है, जो कम मान वाले बल से समकोण बनाता है, तो कम मान वाला बल हमने चूज कर लिया, मान लिया, तो उसके साथ ये समकोण बनाता है। तो हम अब यहां पर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हमने माना बिंदु ओ पर दो बल लग रहे हैं, एक पी बल लग रहा है और एक क्यू लग रहा है। तो सबसे पहले पी बल जो लग रहा है, इसके साथ परिणामी बल समकोण बनाता है। तो पहली लाइन हमको ये ड्रॉ करनी है, कोई एक बल P हमने खींच लिया और परिणामी बल को उसके बाद ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमने परिणामी बल ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या किया, यहां पर मान लिया कि Q बल कुछ इस तरह से लग रहा है और समांतर चतुर्भुज को पूरा कर लिया। ठीक है, और यहां पर हमने जो वैल्यू थी वो लिख दी, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, पी दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, Q के बराबर। ठीक है, और यहां पर ये जो है वो रिजल्टेंट R है, जिसका मान हमें दिया भी है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में हम देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है भाई, बलों के मान निकालने हैं कि दोनों बल कितने कितने न्यूटन के हैं। ठीक है, उनका एल्जेब्रिक सम दे रखा है। क्वेश्चन को आप 2-3 बार कम से कम पढ़ें और समझें, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां देखिए हमको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है। आपको पता ना, परिणामी बल दो बलों के बीच तो कोण होता है अल्फा, और किसी एक बल के साथ, यानी पी बल के साथ, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन वो होती है थीटा। तभी तो मैंने कहा यहाँ पर थीटा बराबर 90 दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इन ये समकोण त्रिभुज ले ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज हमने क्या ले लिया, बी ओ और सी, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ यूज किया, आप सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में, ये बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये भुजा का स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर। तो ये दोनों भुजाएं लिख ली हमने, यहाँ पर वैल्यू लगा दी, बीसी हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, बीसी इस भुजा के बराबर है मतलब क्यू है, और ओसी हमारे पास क्या है, ओ और सी पी है, हमने पी लगा दिया, और ओ बी, ओ से लेके बी, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्टेंट है। ठीक है, यहां से हमने क्या परिणामी निकाला, यानी आर की वैल्यू निकाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। ये थोड़ी सी ट्रिक का यूज किया है, आर स्क्वायर बराबर, यह हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ब्रेक कर दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी में। आप सभी वैल्यू लगा दे रहे जो अवेलेबल है, आर की वैल्यू दी हुई है समीकरण नंबर 2 से 13। ठीक है, 30 और इक्वल टू क्यू प्लस पी या पी प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50, वो हमने यहां लगा दी। समीकरण 1 और 2 का यूज कर लिया, आप लिख लेंगे यहां पर, यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड, और q माइनस पी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, p माइनस q माइनस पी को ही हमने इधर लिया, और ये कितना हो गया, 3 3 9 और 0 है ना, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसको आप लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमें 18 मिल जाएगा 18। ये समीकरण नंबर 3 हमने मान ली। अब देखिए समीकरण नंबर 3 ये मेरे पास आ गई, और समीकरण नंबर 1 को देखिए ये मेरे पास है। समीकरण 1 और 3 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या पी और क्यू के मान नहीं मिल पाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करेंगे। तो समीकरण नंबर ये जो 1 है इसके लिए मैंने क्या लिख लिया, पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी, है ना, क्यू प्लस पी बराबर 50, और ये दूसरी समीकरण क्यू माइनस पी बराबर 18। इन्हें जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2q बराबर यहाँ पर 68 हो जाएगा, और q का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। q का मान ये आ गया। अब q का मान आपने निकाल लिया तो आप p का मान निकाल सकते हैं, q का मान किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। कौन सी समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में आप q का मान लगा दीजिए, इसके नीचे लिखेंगे आप q का मान समीकरण नंबर 1 में लगाने पर, तो p का मान आपको मिल जाएगा यहाँ 34 बराबर 50, ठीक है। तो p बराबर 50 माइनस 34 बराबर कितना मिलेगा आपको, शायद 16 न्यूटन, ठीक है, 16 न्यूटन ये आपका p और q दो बल आ गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक का यूज किया है। यहाँ पर दे रखा है कि एक बिंदु पर लगे दो बलों का बीजीय योग, मतलब अलजेब्रिक सम दे रखा है, तो पी प्लस क्यू बराबर 50 न्यूटन। इनके परिणामी बल का इनका परिणामी बल 30 न्यूटन है। आर का मान दे रखा है और कहा है जो कम मान वाले बल से समकोण बनाता है। हमें मानना पड़ेगा कम मान वाला बल कौन सा है, हमने पी मान लिया, उसके साथ आर ये बना दिया 90° पर। दोनों बलों के परिमाण ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल, न्यूमेरिकल में कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक का यूज किया है, और क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन के लिए आप नोट करते रहें बढ़िया से, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं, या डायरेक्ट सीधा फोन करके बताएं कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो उस वीडियो को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।